नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किसी भी वोकल्स के अंदर कोड्स को कैसे आप यूज कर सकते हो। हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे प्लगइन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिस प्लगइन्स की मदद से आप अपने वोकल्स में कोड्स को यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रेसेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक तरह का आपको स्ट्रमिंग का प्रेसेट्स मिल जाएगा, पिंकिंग का प्रेसेट्स मिल जाएगा, मीडियम में प्रेसेट्स मिल जाएगा, स्लो और एंडिंग, फंक टाइप का आपको यहाँ पे, लेटिन टाइप का, लेटिन पॉप्स का टाइप का आपको यहाँ पे प्रेसेट्स इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आप अपने वोकल्स में यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे यूज किया हूँ, सबसे पहले मैं आपको उसको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में इसका हम यूज करना आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो तो आपको ये वीडियो सबसे पहले देखना जरूरी हो, भी पूरा वीडियो आपको देखना जरूर चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे प्ले करते हैं। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वोकल्स लिया हूँ अपना खुद का यहाँ पे गाया हुआ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ कॉर्ड्स यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि मैंने रियल गिटार 3 की मदद से बनाया हूँ, और वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे जब हम अपने वोकल्स में जब हम कॉर्ड्स को यूज़ करते हैं तो हमारा वोकल्स किस टाइप का निकल के सामने आता है। गिर के संभल सकता हूँ मैं, हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, खुद ही सनम फैसला कीजिए हो मेरे। तो ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पे वोकल्स लिया हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हम अपने वोकल्स में अगर हम कोड्स यूज करते हैं रियल गिटार 3 की मदद से तो हम कोड्स को कैसे यूज करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैंने यहाँ पे एक वोकल्स लिया है। वोकल्स को सिंपली मैंने यहाँ पे 85 BPM के ऊपर यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, सिंपली एक डायनामाइक माइक्रोफोन की मदद से। तो कुछ इस तरह से बजता है। क्यों तू अकेला भी अक्सर, ठीक है, तो ये मैंने वोकल्स लिया। अब उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ इसका जो जो बीट है, एक मैंने लूप्स लिया हूँ जो कि इस तरह से बजता है। उसके बाद में मैंने एक यहाँ पे कुछ लूप्स लिया हूँ परकसंस का, थोड़ा सा कम साउंड इसका किया हूँ, बहुत ही कम किया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैंने यूज किया हूँ इसका बेस पार्ट, जिससे एक गाने में भरा हुआ है। कोड्स के साथ में जब ये बजे तो थोड़ा सा एक बेस के साथ में बजे। और ये भी सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो मैंने बेस पार्ट बनाया है वो कुछ किस प्लगइन से बनाया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये जो प्लगइन्स है, इस प्लगइन्स की मदद से मैंने यहाँ पे बेस पार्ट को यहाँ पे बनाया हूँ। इस प्लगइन्स का नाम है फैब बेस, जो कि एक बेस के लिए यूज किया जाता है, और इसको कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया, यानी कि जो हमारा वोकल्स है कहाँ पे क्या चीज़ हम लगाएंगे, कितना नोट्स को यूज करेंगे, जिससे हमारे जब कोड्स के साथ में ये बजे और हमारा वोकल्स भी यहाँ पे साथ में मैच हो जाए, उस तरीके से मैंने इसको डिजाइन किया हूँ। उसके बाद में मैंने इसका कोर्स कुछ इस तरीके से यूज किया हूं। ये स्ट्रमिंग कोर्स है, यानी कि बजता ही रहेगा। उसके बाद में मैंने बनाया कैसे हूं वो भी यहां पे बता देता हूं। ये सी माइनर कोर्स के ऊपर है, सी माइनर स्केल पे है, क्योंकि हमारा जो वोकल है वो भी सी माइनर पे है, तो सी माइनर पे मैंने कोर्ड्स बनाए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि जिस स्केल का आपका वोकल्स होगा उसी स्केल के साथ में आपको कोर्ड्स को डिजाइन करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कोर्ड्स आपको देखने के मिल जाएंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले एक लेते हैं, मैं यहाँ पर एक नया ट्रैक ले लूँगा, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेंगे रियल गिटार 3। आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे कि अगर हम इसको यूज करना चाहें अपने वोकल के साथ में तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो में बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले तो जब तक ये प्लगइन्स खुलता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे रियल गिटार 3 खुल चुका है, अगर इसको मैं प्ले करता हूँ, तो ये केवल नोट्स यहाँ पे बजाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे मिडी सेलेक्ट है, ये वाला मिडी सेलेक्ट है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, इसके कई सारे टाइप्स हैं एकोस्टिक के। एकोस्टिक स्टील फिंगर्ड को मैंने यूज किया हूँ कोड्स बनाने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको कई सारे प्रेसेट मिल जाएंगे, जैसे कि स्ट्रिंग्स के मिल जाएंगे और स्टील स्टीरियो के प्रेसेट मिल जाएंगे। एकोस्टिक के हैं सारे, पिक्ड के मिल जाएंगे, फिंगर्ड है, पिक्ड है, यानी कि कुछ अलग अलग साउंड्स के। हम यहाँ पे सबसे पहले आपको पैटर्न पे क्लिक करके दिखाते हैं। पैटर्न पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देख सकते हो बेस कोर्ड्स है, डबल क्लिक करना है इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको प्ले करेंगे, अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे अगर बजाते हैं, इस तरीके से अगर मैं तीन नोट्स को ले लूँगा जिस स्केल में बजाना है, तो ये उसी स्केल में बजेंगे। अगर मैं दूसरा स्केल लेता हूँ, अगर मैं थर्ड स्केल लेता हूँ, यानी कि इसके कई सारे टाइप्स हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर कोई दूसरा यहाँ पे लेता हूँ, इसको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है हमें। यानी कि आप इस प्लगइन्स की मदद से 100-200 गाने नहीं, हजारों गाने नहीं, आप लाखों गानों को बना सकते हो। उसका जो कोर्स है आप इस प्लगइन्स की मदद से बना सकते हो। काफ़ी अच्छा प्लगइन्स है ये, क्यूबेस 5 में भी यूज होता है, FL स्टूडियो में भी यूज होता है। और इसको यूज कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं कोई भी प्रेसेट यहाँ पर ले लेता हूँ, और उसके बाद में इसको अगर प्ले करना है हमें किसी भी स्केल में, हमें बजाना है, ये बजता चला जाएगा। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे पैटर्न के ऊपर, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पियानो रोल के ऊपर चले आना है। हमें कोई भी स्केल बनाना है, तो यहाँ पे जैसे कि सी नोट ले लेंगे पूरा का पूरा। अगर माइनर में बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका पैटर्न होता है। अगर हम तीन नोट्स को एक साथ में प्ले करेंगे तो वो कोड्स बन जाएगा। अब कोड्स किस स्केल में बनेगा, अगर हम 1 4 8 का अगर हम नोट्स लेंगे एक साथ में प्ले करेंगे तो हमारा माइनर में जाएगा। अगर 1 5 8 का नोट साथ में प्ले करेंगे तो वो मेजर में हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 4 8 है, तो ये है माइनर में। इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जो आप गाना गा रहे हो, जो आप अपने कोर्ड्स को यूज करना चाहते हो अपने वोकल के साथ में, वोकल के हिसाब से इसके अंदर कई सारे आपको प्रेशर मिलते हैं जिनको आपको यूज करना है अपने गाने में। तो ये आपका कोर्स बन करके यहाँ पे रेडी हो चुका है, यानी कि ऑटोमेटिक कोर्स यहाँ पे बन करके प्ले हो चुका है। लेकिन ये कोर्स शायद इसके साथ में मैच ना करे, देखते हैं एक बार। क्यों तू अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा है, क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि ये शायद इसके साथ में मैच ना करे, क्योंकि इसके कई सारे प्रेसेट्स हैं, और कई सारे ऐसे प्रेसेट्स हैं जो वोकल के साथ में बिल्कुल परफेक्ट मैच करते हैं, कुछ मैच नहीं करते। कुछ अलग वोकल जो आप गाओगे उसके साथ में मैच करेंगे, लेकिन जो ये वोकल्स, जो ये कोर्ड्स बना हुआ है, बिल्कुल इसके साथ में 100% मैच करा है। अब इनके साथ में प्ले कर देंगे। क्यों तू अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता। ये क्या है कि थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है, पैटर्न बिल्कुल सेम ही है, और ये है बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, इसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, यानी कि सारे यहाँ पे वोकल के साथ में यहाँ पे मैच कर रहे हैं, दोनों वोकल के साथ में मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी गाने का कोर्स
बना सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है इस प्लगइन्स की मदद से कोड्स को तैयार करने में, बहुत ही एक सिंपल तरीके से आप कोड्स को यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपको कोड्स के लिए इसको यूज करना है तो आप अपना यूज कर सकते हो अगर आपके पास है, और अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली आप पियानो रोल की मदद से आप कोई भी BST प्लगइन्स ले लीजिए। FL स्टूडियो के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि FL कीस हो गया, तो ये नॉर्मल में बनाता है, तो आप FL कीस का यूज करके कोड्स को बना सकते हो। लेकिन ऐसा अगर आपको बनाना है तो रियल गिटार की मदद से ही आपको इस तरह के कोड्स को है आपको डिजाइन करना होगा और वो आपको बनाना होगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।